हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास सिक्स जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर फोर्टी सिक्स कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास ट्वेंटी दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आज की वर्कशीट में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे देखो यहाँ लिखा है लेट्स रिकॉल लाइन सेगमेंट तो आज हम लाइन सेगमेंट बनाना सीखने वाले हैं ठीक है किन किन चीज़ों से सीखने वाले हैं खाली रूलर से भी सीखने वाले हैं और रूलर और कंपास से भी सीखने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं देखो सबसे पहले रूलर से सीखते हैं वो बहुत आसान है यहाँ आपसे क्या कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर यूजिंग रूलर ओनली खाली स्केल लो और एक 5.6 सेंटीमीटर की आप क्या करो लाइन को ड्रॉ कर दो लाइन सेगमेंट को कैसे करने वाले हो देखो स्केल आपको यहाँ दिख रहा है जीरो से शुरू करना जीरो पे पॉइंट लगा लो जरा पेंसिल का और चलाते रहो पेंसिल को यहाँ पर कहाँ तक 5.5 तक आपको दिख रहा होगा यहाँ दो के बीच में एक बड़ा डैश होगा वो वाला है वहां तक उसके जस्ट बाद एक जो छोटी सी लाइन है ना वहां तक ले जाओ बस वहां पर पेंसिल को रोक दो स्केल हटाओ और लिख दो ए बी फाइव सेंटीमीटर रूलर से बनानी बहुत आसान है आसान तो कंपास से बनानी भी है पर रूलर से बनानी ज्यादा आसान है ठीक है और जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप यही लिख दो है ना आसान चीज़ अब अगर यही चीज़ हम रूलर और कंपास से बनाएं फाइव पॉइंट सिक्स की तो कैसे करना है अब आपको क्या करना है स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है कितने भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दो देखो मत कितनी कितनी भी बड़ी ज़्यादा बड़ी भी मत लेना और ज़्यादा छोटी भी मत लेना ठीक है तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी अब आप अपने कंपास में पेंसिल को फिट कर लो ठीक है और जीरो पे कंपास का पॉइंट रखो और फाइव पॉइंट सिक्स पे पेंसिल का पॉइंट रखो रख पाओगे इतना कंपास खुल गया आपका बस अब यहाँ पर क्या करो एक पॉइंट ले लो ए ठीक है जहाँ कहीं पर भी ले सकते हो ए पॉइंट ले लिया वहाँ का वो कंपास बंद मत कीजिएगा जो आपने स्केल से नापा था ठीक है अब ए पे कंपास का पॉइंट रखो और जो वो पेंसिल है ना उससे ऐसे आर्क लगा दो जहाँ भी आर्क लगी वहाँ बी नाम दे दो और जो पॉइंट था ए ये बन गई आपकी रूलर और कंपास से 5.6 सेंटीमीटर की क्लियर ठीक है ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखे हुए हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में नीचे जो भी हम करने वाले हैं ऊपर से ही देख के लिखने है. सिर्फ मेजरमेंट चेंज करनी है ठीक है ना चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ सिक्स सेंटीमीटर यूजिंग रूलर आसान है स्केल लो जीरो से शुरू करो और सिक्स सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ करते रहो और बस यहां नाम दे दो ए बी और यहां लिख दो अपना सिक्स सेंटीमीटर ठीक है ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है सेंटीमीटर आप की आपकी मर्जी है ठीक है आप कंपास उठाओ उसको स्केल पे रखो और सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का कंपास ओपन करो हो गया ओपन उसके बाद यहां पर एक नाम दे दो ए इस पे रखो कंपास का पॉइंट ए पे अब पेंसिल से लगा दो आर्क जहां पर भी आर्क लगे उसको नाम दे दो बी और ये हो गई आपकी सेवन सेंटीमीटर क्लियर चलिए नेक्स्ट है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऊपर वाले ही लिखने सिर्फ आपको मेजरमेंट चेंज करनी है उसमें नेक्स्ट है ड्रॉ अगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यूजिंग रूलर पी क्यू बनानी है बस फोर पॉइंट फाइव की बनानी है कम इससे बनानी है रूलर से बनानी है तो कैसे बनाने वाले हैं हम रूलर से स्केल उठाओ जीरो पे पेंसिल रखो अब पेंसिल से शुरू हो जाओ और फोर पॉइंट फाइव जहा है वहां तक लाइन ड्रॉ कर दो इसको नाम दे दो पी क्यू और यहाँ लिख दो फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर वन जो ऊपर किया है वो वाले करने हैं और इसमें वो जो ऊपर वाले थे ठीक है ना नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए एक्स ऑफ लेंथ 8.7 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास 8.7 का बनाना है अब तो ध्यान दो बिल्कुल यहाँ पर तो अब आपको करना क्या है देखो पहले तो एक रैंडमली आप लाइन ड्रॉ कर दो कितने भी सेंटीमीटर की ठीक है अब यहाँ पर रख लो ए ए पॉइंट ले लो अब आप अपना स्केल उठाओ तो जो एट और नाइन है ना उनके बीच में एक लाइन होगी और यहाँ से दो लेनी है ये 8.5, 8.6, 8.7 यहाँ यहां तक खोलना है कंपास स्केल से नापो जीरो पे रखो कंपास का पॉइंट देखो अगर मैं आपको कंपास दिखाऊं यहां ये स्केल दिखाऊं यहां तक खोलो अपना कंपास जीरो पे रख के हो गया ओपन अब आपको क्या करना है ए पे रखो कंपास का पॉइंट और यहां पर एक आर्क लगा दो और इसको नाम दे दो एक्स और यहां लिख दो अपना एट सेंटीमीटर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऊपर वाले लिखने ये वाले क्वेश्चन नंबर टू और फोर में ये वाले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने और क्वेश्चन नंबर वन और थ्री में ये वाले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने सिर्फ आपको मेजरमेंट चेंज करनी है ठीक है तो ये थी आपके पास वर्कशीट वर्कशीट नंबर फोर्टी सिक्स नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू